आज शाम अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे होगा संबोधन। यूएस कांग्रेस को संबोधित करने वाले 5वें पीएम होंगे मोदी। दुनिया के लिए ग्रोथ का नया इंजन बनने के लिए तैयार है भारत। अमेरिकी बिजनेस कम्युनिटी से बोले पीएम, विकसित देशों से की अपील, भारत जैसे देशों के लिए खोलें अपने बाजार। हफ्ते भर की देरी से केरल पहुंचा मॉनसून। मौसम विभाग ने किया आधिकारिक ऐलान, केरल के साथ साथ लक्षद्वीप के कई हिस्सों में भी जबरदस्त बारिश। बाजार 2016 की नई ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब। सेंसेक्स 11 अंक, निफ्टी 6 अंक बढ़कर बंद। बैंकिंग, डिफेंस, कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम शेयरों में रही खरीदारी। आठ महीने के शिखर पर पहुंचा क्रूड, ब्रेंट क्रूड का भाव $52 के पार निकला। रघुराम राजन का बढ़ सकता है कार्यकाल, सूत्रों ने दी खबर। राजन की नागरिकता पर आरबीआई ने दी सफाई, कहा भारतीय नागरिक हैं। गवर्नर स्वामी ने बताया था अमेरिकी नागरिक। शेयर प्रो केस के सभी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स की जांच शुरू। डीमैट के नाम पर धांधली की भी जांच, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर। शेयर प्रो पर निवेशकों के हिस्से के शेयर डिविडेंड ट्रांसफर करने का आरोप। लोकसभा के साथ ही राज्यों के भी चुनाव कराने पर विचार। चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, कहा सभी पार्टियां एकमत हो तो आयोग तैयार। बीजेपी सरकार ने दिया था एक साथ चुनाव कराने का आइडिया। राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में अब खाना लेने की मजबूरी नहीं। बुकिंग के वक्त नो मील ऑप्शन चुनने की होगी आजादी। 22 स्टेशनों पर बच्चों के लिए शिशु आहार योजना भी शुरू।